दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मुकाबले में ऋषभ पंत पर रहेगी नजरें। पिछले सत्र के खराब प्रदर्शन को बोलकर दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग के नए सत्र में शनिवार को जब आमने सामने होंगे तो सभी की जगह नजरें महीनों बाद मैदान पर लौटे रहे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत पर टिकी होगी। दिसंबर 2022 में भयावह कार दुर्घटना के बाल बाल बचे पंत ने क्रिकेट के लिए अपने जुनून के दम पर समय से पहले रिकवरी कर ली है। उन्होंने बतौर बल्लेबाज विकेटकीपर खेलने की अनुमति मिल गई है और वह कप्तान का दारोमदार भी संभालेंगे। उन्होंने डेविड वार्नर से कप्तान संभाली है, जिनकी कप्तानी में दिल्ली के पिछले साल 10 टीमों में 9वें स्थान पर रही थी। दिल्ली के कोच रिकी पोंटिंग ने मैच में पूर्व कहा कि पंत ने इस बार आईपीएल से पहले जितना बल्लेबाजी अभ्यास किया है उतना शायद कभी नहीं किया होगा। वह अपने शरीर को फिर पहले से लय में लिखना चाहते थे। पंत ने 15 महीने कड़ी मेहनत, जुझारूपन और हिम्मत के साथ रिकवरी को दिए हैं। उनके लौटने से दिल्ली टीम में एक नई उमंग का संचार हुआ है। अभी यह तय नहीं है कि वह पहले ही मैच में विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं। अगर नहीं करते तो वेस्टइंडीज के साई होप या दक्षिण अफ्रीका के ट्रिस्टन रटर्स यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। दिल्ली के पास अच्छे तेज गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर चुके वार्नर अच्छा प्रदर्शन करके T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह बनाना चाहेंगे। पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, पंत और स्टब जैसे आक्रामक बल्लेबाज दिल्ली के पास है, जबकि गेंदबाजी के अगुवाई एनरिच नॉर्जे, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार रहेंगे।